बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सब व्यूवर्स को मेरा सलाम। और जी तो व्यूवर्स, आज हम इंग्लिश के हवाले से हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन इंग्लिश के हवाले से देखा था और इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हमने ये सीखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और ग्रामेटिकली हम पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे तो हम पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे डिफाइन किया जा सकता है और टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो आज हम वन बाय वन उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में आज हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। तो आज हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है। तो आज हम नाउन को डिफाइन करना सीखेंगे कि अगर हमसे कोई सवाल करे कि नाउन क्या है तो हम नाउन को डिफाइन कर सकें। तो व्यूवर्स, नाउन क्या होता है, अगर आप व्हाइट बोर्ड पे फोकस करें तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे नाउन की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको रीड करते हैं और उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो नाउन द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस किसी प्लेस का नेम, थिंग किसी चीज का नेम, और एनी आइडिया और एक्सप्रेशन या किसी भी आइडिया या एक्सप्रेशन का जो नाम होगा इज कॉल्ड अ नाउन। नाउन क्या है, एक नाम है, किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी चीज थिंग चीज का नाम या किसी एक्सप्रेशन का नाम भी हो सकता है, किसी आइडिया का नाम भी नाउन हो सकता है। तो हम देखेंगे कि ये डेफिनेशन तो हम छोटी क्लासेस के अंदर जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। बट हमें किसी ने नहीं बताया कि जो नाउन की डेफिनेशन में पर्सन क्या होता है, पर्सन से मुराद क्या है, प्लेस से क्या मुराद है, थिंग से क्या मुराद है, आइडिया या एक्सप्रेशन से क्या मुराद है। तो इंशाल्लाह आप जो मैं आपको चीज बताने जाऊंगा वो मैं नाउन की आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, लेकिन इस अंदाज से बताऊंगा कि पहले पर्सन की एग्जाम्पल यानी कि नाउन में पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं उसकी एग्जाम्पल देख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि नाउन के अंदर प्लेसेस से क्या मुराद है, उसकी प्लेसेस के हवाले से एग्जाम्पल देखेंगे। इसी तरह से नाउन में थिंग से क्या मुराद है, थिंग के हवाले से हमने कुछ एग्जाम्पल्स को देखना है। इसी तरह से हम ये देखेंगे कि नाउन के अंदर जो है आईडी या एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, उस हवाले से भी कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले पर्सन क्या होते हैं, नाउन में पर्सन से क्या मुराद है। जब हम नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, कि नाउन एक पर्सन का नाम है, तो पर्सन में कौन सी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे फोकस करें तो मैंने लिखा हुआ है ऑल लिविंग बॉडीज, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं उनके नेम्स जो होंगे वो आपके पर्सन कहलाएंगे। जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं उनके जब नाम आप लेंगे तो वो क्या होंगे, पर्सन होंगे। जिस तरह से मेरा नाम शहजाद, इट इज अ पर्सन, ठीक है, शहजाद, मेरा नाम शहजाद है तो शहजाद एक पर्सन है। इसी तरह से ह्यूमन बींग्स के जितने नाम है सारे के सारे पर्सन है। इसी तरह से डॉक्टर नाम है, किसी प्रोफेशन का नाम है, पर्सन है, तो डॉक्टर भी लिविंग होता है इसलिए इसका नाम पर्सन होगा। इसी तरह से एनिमल्स हैं, पर्सन्स में कम काउंट होंगे क्योंकि वो भी लिविंग है, तो जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं उनके नाम जो हैं वो पर्सन्स में आ जाएंगे। तो जब आप नाउन की एग्जांपल पर्सन्स के तौर पर देंगे तो उसके लिए क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे अली, डॉक्टर, नर्स, ये सारे के सारे लिविंग बॉडीज हैं और ये इसलिए पर्सन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, जब आप नाउन को कहते हैं ये पर्सन का नेम है तो पर्सन में ये चीजें आ सकती हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह से नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, उसके बाद प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस एज वेल, कि दूसरे नंबर पे नाउन से पर्सन के नाम नहीं है बल्कि नाउन जो है वो प्लेसेस के नामों को भी नाउन कहते हैं। प्लेसेस से क्या मुराद है, ये एक बहुत ही सिंपल और सादा सी जो है बात है। प्लेसेस से मुराद जगह है, जितनी भी जगह दुनिया में मौजूद है उन जगहों के नाम अगर आ जाएं तो वो भी नाउन में आएंगे। अब उन जगहों से मुराद क्या है, जैसा कि सिटी, एक मैंने बहावलपुर लिया है, बहावलपुर एक जगह है इसलिए ये भी प्लेसेस में आ जाएगा, पाकिस्तान जगह है ये इसमें आ जाएगा। इसी तरह से सिटी, सिटी इटसेल्फ कोई जगह है, शहर, तो ये भी आपके पास प्लेस में आ जाएगा। इसी तरह से कंट्री है, कंट्री भी जगह है तो ये इसमें आ जाएगा। इसी तरह स्टेट्स, स्टेट्स भी जगह का नाम है तो वो भी इसमें आ जाएगा। मरी आ जाता है, यूएसए आ जाता है, इंडिया आ जाता है, वो सारे के सारे इसमें प्लेसेस के अंदर आ जाएंगे। तो जब आपने नाउन की एग्जांपल प्लेसेस में देनी हो तो आपने क्या देना है, जगहों के नाम देने हैं।
तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और प्लेस। नाउन पर्सन के अलावा प्लेस के अलावा एक और चीज का नाम भी है, नाउन इज द नेम ऑफ थिंग एज वेल। अब थिंग से क्या मुराद है हमारी, जब भी हम नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो नाउन की डेफिनेशन में थिंग से क्या मुराद है, जिसे उर्दू में चीज कहते हैं, तो चीजों से क्या मुराद है। अब चीजों से मुराद ऑल नॉन लिविंग बॉडीज है, जितनी भी जो है नॉन लिविंग थिंग्स हैं, गैर जानदार अशियां हैं, वो सारी सारी इसमें आ जाएंगी। जैसे कि व्हाइट बोर्ड है हमारे पास, मार्कर है, बुक है, पेन है, पेंसिल है, कैमरा है, मोबाइल है, एटसेट्रा, ये सारी की सारी एग्जांपल जो है नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो नॉन लिविंग जो बॉडीज हैं वो थिंग्स में शुमार होगा। तो जब आप नाउन के एग्जांपल एज अ थिंग देंगे तो आपने थिंग्स में किन चीजों को लिखना है, ऑल नॉन लिविंग बॉडीज को। इसके बाद हमने ये कहा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ थिंग। इसके अलावा एक और चीज मैंने अपनी डेफिनेशन में ऐड किया है, नाउन किसी आइडिया का नाम भी हो सकता है, किसी एक्सप्रेशन का नाम भी हो सकता है। बहुत दफा हम लोग बहुत खुश होते हैं, ये खुशी का जो इजहार होता है ये भी हमारा एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा नाउन में काउंट हो जाता है। इसी तरह से सैड होते हैं, सैडनेस भी एक नाउन है, तो कोई आइडिया या एक्सप्रेशन भी हमारा क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। तो नाउन की डेफिनेशन मुकम्मल कैसे होती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन में हमने देखा सारी लिविंग थिंग्स, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, प्लेस में हमने देखा सारी जगहों के नाम, फिर हमने देखा नाउन इज द नेम ऑफ थिंग, थिंग में हमने देखा ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इसमें आ जाएंगी। उसके बाद नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया और एक्सप्रेशन, तो आइडिया और एक्सप्रेशन में हमने देखा कि वो चीजें जिनको हम छू नहीं सकते बट वो नाउन होते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते, हैप्पीनेस है हमारे पास, सैडनेस है, तो ये भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं, एक्सप्रेशन होता है, एक आइडिया होता है, कभी कभी एक आइडिया और एक्सप्रेशन भी नाउन होता है। तो लिहाजा हमारी जो पूरी डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया और एक्सप्रेशन इज कॉल्ड नाउन, तो वो एक नाउन बन जाता है। तो नाउन को हमने आज अपनी डेफिनेशन में सीखा है, आज हमने अपने इस लेक्चर में ये सीखा कि नाउन क्या होता है। नाउन एक पर्सन होता है तो पर्सन से क्या मुराद है, नाउन एक प्लेस का नेम है तो प्लेस से क्या मुराद है, नाउन अगर किसी थिंग का नेम है तो थिंग से क्या मुराद है, और नाउन अगर किसी जो है आइडिया या एक्सप्रेशन का नाम है तो आइडिया और एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आज हमने इस पूरी डेफिनेशन को इन डिटेल डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नाउन की टाइप्स पढ़ेंगे, नाउन की काइंड्स पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि नाउन कितनी किस्म का होता है और फिर उनकी काइंड्स को वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स मैं अपना लेक्चर को इस बात के साथ फिनिश करूंगा कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस किस्म की मजीद वीडियोस की रसाई आप तक आसान हो सके और इन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके। इस घर से आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।